पिछले दिन भी साके जो चल रहे सन साकियां दी विचार चलती सी उदों मैं अर्ज कीता उस विच गुरु तेग बहादुर साहिब दे सपुत्र गुरु गोबिंद सिंह ओह औरंगजेब लिखी शब्द वरदे आ महाराज जी का एक बचन है कहे खामू मर्द बायद शबद सुखनवर ना शिकमे दिगर दर दहाने दिगर ओ हाकम तख्त ते बैठा है ते आज भी सच्ची गल एवे जेड़ी आज तो सदियां पहला गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा आज भी ओही किसानां नूं भै खांदा पिया है। गुरु तेग बहादुर साहिब दे सपुत्र गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने कि मर्द ओवे जो मूंह विच होवे ओ ढिड विच होवे ओ अंदर होवे जो अंदर होवे ओ मूंह विच होवे ओनू मर्द कदी नहीं कहा जांदा जिहड़ा मूंह तो कुछ कहिंदा होवे ते किरदार करके कुछ होवे। हमू मर्द बायद शबद सुखनवर मर्द वो जो सुखन का पक्का जिन्हू गुरु कहिंदा बचन का बली बचना दा पक्का। गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने खमू मर्द बायद शबद सुखनवर ना शिकमे दिगर दर दहाने दिगर जिदे शिकमे पेट विच कुछ होवे मूंह विच कुछ होवे। महाराज गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने उस बंदे दा राज प्रबंध कदी ठीक नहीं हो सकदा। एक होर बेनती असी गुरु साहब दे एक बचन है ना इमा प्रस्ती ना ओजाए दी ना साहिब शनासी ना मोहम्मद यकी ये चार बचन गुरुदेव ने अपने शेर विच कहे ने औरंगजेब दे प्रति। ना इमा प्रस्ती इमान दा अर्थ धर्म आपां कहिंदे आ ईमान कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने औरंगजेब तेरे बारे ये मशहूर है तू बड़ा धर्मी है तेरे बारे मशहूर है तू अपनियां टोपियां बुन के रोटी खाने पर सतगुरु कहते सिर्फ विखावे दा है ना इमान प्रस्ती तू ईमानदार नहीं तेरे अंदर ईमान धर्म ना दी चीज ही कोई ना इमान प्रस्ती ना ओजाए दी तेनू दीन दे उत्ते यकीन नहीं ना साहिब सनासी तेनू रब उत्ते भी कोई ओदी शनाख्त नहीं पहचान नहीं ना मोहम्मद यकीन तेनू मोहम्मद साहिब दे उत्ते भी यकीन नहीं। मैं सिर्फ थोड़ी जी एक बेनती जिहड़ी अज करनी चाहना औरंगजेब कहिंदा एक चाहिदा है ऐसे धरती ते उन्हां कहा वह कहिंदा एक इस्लाम एक किताब एक नमाज एक सिद्धांत इको सब कुछ होवे। मैं हाथ जोड़ के बेनती करा ये मुल्क विच इस विच अनेकता है अनेकता सी ते आउण वाले समय विच भी अनेकता रहेगी। रब दी रची हुई रचना नूं तुसीं मतसव दे अधीन आके एक धर्म दे विच नहीं बन सकोगे। देखो गुरु साहिब जी दी विशालता उन्हें कहा जी मैं एक कर देना जे साडे पुरातन विद्वानां ने लिखिया भी कावक जिहड़े ग्रंथ ने उन्हें कहा जी मैं सिर्फ एक करना है एक इस्लाम एक धर्म एक देश एक बोली सब कुछ एक होवे। यही तां अज प्रपंच चल रहा एक बोली एक आवाज इको नहीं प्यार हो। याद रखो गुरु ने कहा इत्थे दो ने हिंदू ते मुसलमान सन उंज चलो दे विच जैनी भी आउंदे ने बोधी भी आउंदे सन पर बहु गिनती तां हिंदुआं दी सी ना। उन्हां कहा जी इत्थे दो ने उह कहिंदा मैं दो नूं खत्म करके सिर्फ एक करांगा। गुरु तेग बहादुर साहिब ने कहा तू दो नूं खत्म करके एक करना चाहना है पर रब दी खेड ऐसी वर्तनी है इत्थे खालसा तीसरे रूप च प्रगट होवेगा ये दो तो एक नहीं होने दो तो तीन होने वाले ने। मैं सिर्फ एक बेनती एक है कि इस भुलेखे नूं कढ दीए गुरमत ने मनुखी हकां दी राखी का जिक्र किया हुणे भाई साहब ने जिक्र किया मैं कोई इमोशनल नहीं करना ते ना मैं इस कथा विचों कोई जिवें साडा सुभा है माइल्ज लैना चलो लोग कहणगे जी बड़ा धर्मी जी बड़ी गड़ के गल की गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां ने जीवन विच कमाण वास्ते रब दी किरपा होवे ते तां बंदा चल सकदा। मेरा कि मैं कमरे च बैठा जिवें मर्जी बोली जावां नहीं। मैं एक बेनती करांगा मंजी साहिब भी कहा सी उत्थे बोल के आया मैं शब्द तो बाहर निकलांगा। याद रखियो गुरु तेग बहादुर साहिब दी जिहड़ी शहादत है वह मनुखी हकां वास्ते है ते अज भी वह हक मंगदे पए आ। भाई साहब ने जिक्र किया बजुर्ग बैठे आ पर उन्हां दा एका उन्हां दा इतफाक दूसरी आप संगत दी कीती हुई सेवा। मैं सिर्फ इको उदाहरण देनी
मलक भागो ते लालो ने, लालो दी दसा नवा दी किरत है। मलक भागो जेड़ा होया, मलक भागो जेड़ा है भाई लालो नाल किन्नो अमीर है। लालो दे घर सिर्फ कोदरे दी रोटी कहने आ, सरों दा अलूणा साग कहने आ, सुक्का मिखा प्रशादा है। मलक भागो दे घर खीर पूड़े माल पूड़े सब कुछ है, पर घड़दा पिया लालो ते माल पूड़े मलक भागो दे घर भी जिन्हें कदी खत भी नहीं लाया। अज भी सच ए जे के लालो दी रोटी खो के मलक भागो नू देनी चाहते आ, पर गुरु नानक साहब कहिंदा नहीं ओए, मलक भागो दी रोटी विचों खून निकलदा है, जिहड़े सड़कां ते बैठे उहनां दी मेहनत विचों कीमती दुध है। इहनू मैं इक उदाहरण आप नू देनी चाहना। कल्ला आपां कंग जी सिखां विच मलक भागो ते लालो दी गल कीती, गुरु ग्रंथ साहिब विच इक शब्द है उहदे विच रोटी दा जिक्र है, उहदे विच किरत दा जिक्र है, ते संबंध भी उहदा श्री कृष्ण जी दे नाल है। मेरे मन च उदन आया जिस दिन मैं इत्थे आया कि कृष्ण जी, मैं अर्ज करांगा कि हस्तनापुर आउंदे आ, उह दुर्योधन दे घर नहीं रहिंदे, उह बिदर दे घर विच रहिंदे आ, ते बिदर दे घर विच जा के जिस रोटी दा जिक्र करदे ने, जिस खाने दा जिक्र करदे ने, ते उहदा सारा गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च कबीर साहिब दा शब्द कह, राजन कौन तुम्हारा आवे, ऐसो पाओ बिदर को देखो, ओ गरीब मोह पावे। याद रखो आ गुरु तेग बहादुर साहिब दे जीवन दी घटना सतबीर सिंह उहना प्रिंसीपल साहिब ने लिखी कि जदो बाबा बकाला साहिब सन ना महाराज जी, ते उस वक्त आप सब नूं पता है भी मंजियां ला के बैठ गए, धीरमल सब तो वड्डा दावेदार सी, ते कहिंदे ने माता नानकी जी ने गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी नूं अपने बेटे नूं यही बचन कह, बेटा तुसी तां बाहर निकलदे नहीं, देखो बाकी कितने उन्हां दे मसंद भी ने। महाराज ने बड़े प्यार नाल कहा, कहन लगे मां जी परमात्मा नूं अमीर नवाज नहीं कहिंदे, परमात्मा नूं गरीब नवाज कहा जांदा है। याद रखो और रब दे गुणा तो कोई सिखो, परमात्मा गरीबां नूं निवाजदा है, पर इत्थे हालत पुठी हो गई, इत्थे अमीरां नूं निवाजिया जांदा है। कहन लगे मां परमात्मा गरीब निवाज कै, गरीब रहांगा तां नवाजेगा जरूर। मैं आप नूं सिर्फ एक उदाहरण देन लगा कि दुर्योधन दे घर नूं छड के कृष्ण जी बिदर दी झौंपड़ी च रह, क्यों प्यारे उत्थे इकला एक बिदर सी, दुर्योधन दे मुकाबले उहदे कोल कुछ नहीं, ना उस कोल हाथी ना घोड़े ना महल, उहदी झौंपड़ी खै झुग्गी च रह रहा है। ते गुरु साहिब ने इहनूं बाणी च कहा, राजन कौन तुम्हारे आवे, इत्थे राजन दर ते दुर्योधन तेरे घर विच किसने आउणा, गरीब बिदर मैनूं चंगा लगदा है। राजन कौन तुम्हारा आवे, ऐसो पाओ बिदर को देखो, ओ गरीब मोय पाए पावे, हस्ती देख भरम ते भूला, तू हाथी देख के रथ देख के घोड़े वेख के भुलेखे च पै गए, श्री भगवान ना जाने तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं मानिया, तेरे घर का कीमती दुध। पर उस बिदर दे घर का पानी सच एवे ओदा पानी भी मेरे वास्ते अमृत सी, तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं मानिया, खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रहन बिखानी, तू ता कीमती खीर सी तेरे घर च, ओदे घर दा अलूणा साग भी मेरे वास्ते सब कुछ सी।